के काउंसलर क्या कैसे काम करते हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। वो तो सफाई का अरेंजमेंट है ना, तो सीवर का अरेंजमेंट है, नालियों में पानी भरा हुआ है, गंदगी है, स्वीपर आता नहीं है, कई कई महीने स्वीपर नहीं आता, आता है तो कूड़ा उठाता है एक आधी बार और अपना निकल लेता है, मतलब कुछ भी सिस्टम नहीं है जी। काम तो बहुत बढ़िया होता है, थोड़ी सी सुनवाई लेट हो जाती है बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। सर अपना नाम बताइए। दीपक। यहाँ के काउंसलर कौन है? कल बीके ओब्रॉय। ओके, सो वो यहाँ पे कैसा काम करते हैं? बहुत अच्छा करते हैं, आई थिंक पार्क्स एंड ऑल आर वेरी वेल मेंटेन्ड, सो रोड्स पार्क्स एवरीथिंग इज वेरी वेल मेंटेन्ड। नेक्स्ट टाइम आप उन्हें चांस देंगे? बिल्कुल देंगे। अच्छा, कितने नंबर देना चाहेंगे? 10। मैम आप यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। यहाँ के जो काउंसलर है बीके ओब्रॉय जी, वो कैसा काम करते हैं आप? बीके ओब्रॉय तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं हमें यही है, कोई भी काम नहीं है, ना तो सफाई का अरेंजमेंट है, ना तो सीवर का अरेंजमेंट है, नालियों में पानी भरा हुआ है, गंदगी है, स्वीपर आता नहीं है, कई कई महीने स्वीपर नहीं आता, आता है तो कूड़ा उठाता है एक आधी बार और अपना निकल लेता है, मतलब कुछ भी सिस्टम नहीं है। जैसे मलेरिया वगैरह फैलो, कल एक मच्छर की वो फोग करने आए, बाकी कोई मतलब नहीं, कोई केयर नहीं, कोई गंदगी, अगर सीवर का पानी बह रहा है तो बह ही रहा है, उसको कोई केयर नहीं है, जाओ कंप्लेंट करो जिसको मर्जी करो, कोई वो एक्शन नहीं लेते हैं का, कोई नहीं है। सीलन की बिल्डिंग जिसकी मर्जी है वो सीलन हटवाए, जिसकी मर्जी है ना हटवाए, चाहे बिल्डिंग गिर जाए। अच्छा। हर चीज से परेशान है, कोई एक्शन नहीं लेते। करोड़ का मकान लिया हुआ हमने फ्लोर, एक एक करोड़ का, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। अगर 8 फ्लोर में एक गंदा है ना, वो नहीं काम कराएगा तो नहीं कराएगा तो नहीं कराएगा, चाहे बिल्डिंग कितनी डैमेज हो जाए, तो किसको जाके के, कोई है ही नहीं बड़ा छोटा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी, हम तो सेल करके निकल गए। अच्छा। इतने तंग है। और यहाँ पे बाकी लोगों को भी यही दिक्कत? सबको ही है, सारे ही, जो बस जो बोल दे जो नहीं बोले वो चुपचाप बैठे रहो, सहते रहो, कितनी भी कंप्लेंट करो कोई नहीं आता है, देखने भी नहीं आता, कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है। नहीं आता, कोई नहीं आता, और बोलो जाओ तो जाओ कहाँ, MCD तो इतनी लापरवाह ना, सीवर वगैरह बंद है तो बंद ही है, मैडम हम क्या करें, पीछे जाओ, उस जगह जाओ, उस जगह जाओ, किस जगह जाओ। तो कितने सालों से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है? हमें तो 3-4 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अच्छा। पर जब से आए आपको कोई आपकी सुनवाई नहीं? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही, और पाइपलाइन ब्लॉक हो जाते हैं, ऊपर के लोग नहीं ठीक कराते, वो कहते हम क्या करें, हाँ अपना जिसको मर्जी जाके कंप्लेंट करो, हम सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हमारे बाहर रहते हैं, तो चाहे बिल्डिंग गिरती है तो गिर जाए, बुरा हाल है, कुछ भी नहीं है, प्रॉपर कोई भी केयर नहीं है, आप जब गिरती है तो फिर आ जाते हैं सारे। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मंजीत सिंह है जी। यहाँ के काउंसलर क्या कैसे काम करते हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। वो तो क्या क्या काम कराए उन्होंने बताएंगे? वगैरह कराते हैं, जो अब उनको बोलते हैं वो सब कराते हैं वो। अच्छा। हाँ जी, सब अच्छी तरह से कराते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, वो बराय साहब हैं, हाँ सब अच्छा काम कराते हैं वो। अगर जैसे आपको आधी रात को भी प्रॉब्लम है, आधी रात को अगर आपने फ़ोन करे तो उसका सलूशन निकालते हैं? अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, अगर होएगी तो जरूर आएंगे वो। अच्छा, वैसे इमीडिएट एक्शन करते हैं? इमीडिएट एक्शन करते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट टाइम आप उन्हें मौका देंगे? बिल्कुल देंगे जरूर। तो आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10 ही देंगे, उनको अच्छा काम करते हैं तो 10 में से 10 ही देंगे, 10 में से 8 और 7 का तो कोई मतलब ही नहीं है। सर अपना नाम बताइए। मैं धीरज त्रिखा बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, जैसा कि आपके एरिया के काउंसलर बीके ओब्रॉय जी, आपके एरिया में काम होता है, करवाते हैं वो काम? जी काम तो बहुत बढ़िया होता है, थोड़ी सी सुनवाई लेट हो जाती है बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, बाकी तो हम सेटिस्फाइड हैं और पूरा LIG हमारा सेटिस्फाइड ही है, 364 फ्लैट हैं यहाँ पर, और बहुत ही गजब का मतलब उनका मतलब यहाँ पे सराउंड मतलब इनका चक्कर लगता रहता है हर एक हफ्ते में 15 दिन में। क्या काम करवाए हैं, थोड़े कामों के बारे में बताइए। पानी को लेकर के समस्या का समाधान हुआ है काफ़ी कुछ, और बाकी होते रहते हैं छोट भैया काम तो होते रहते हैं, ज़्यादा एलाबोरेट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा भी रहना कम होता है टूरेबल जॉब है। तो आप उन्हें नेक्स्ट टाइम मौका देना चाहेंगे? 100%। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से इनको 8 तो जाते ही हैं, 7 और 8 के बीच में तो जाते ही हैं, 8 देना चाहूँगा। थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू।